好的一个。好了，我已经讲了，让你家眷顺下来就系咁。来拿起壶，烧壶。भैया की ओर से ये पुरस्कार 51 रुपया भैया के बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। लेकिन बिहार के भी भाव लिखलन हिंदुस्तान के बन्ना उठा के देख लिया था बाबूजी ये हिंदुस्तान के धरती पर जगदीश यादव कटिहार के धरती से और हमारे देवचरण भैया के छोटा भाई हूँ ये पुरस्कार 51 रुपया सब भैया लोगों के प्राण बा। लेकिन बिहार में कभी जी भाव लिखल हिंदुस्तान का पन्ना उठा के देख लिया जाए जवान अपने आप के कुर्बानियां दिए है तो हिंदुस्तान के नारी भी कम नहीं थी बाबू जी बिहार में लिखे के पड़ल कैसे बहादुर जवान शहीद हो गए पांच जवान में तीन जवान के लाश घरे पहुंचवा दी गई लेकिन अब्दुल हुसैन और शंकर के लाश लापता हो गई घोषणा कर दिया गया कि दोनों जवान के लाश पहाड़ के चोटी पर से गिरल और लगता कहीं बर्फ के सिली में दोनों जवानों के लाश ढक गया कितना छोटा शब्द है बाबूजी कि आपके बेटा आपके भाई शहीद हो गई लेकिन उस परिवार से पूछा जाए और दुल्हन से पूछा जाते कर हसत खेलत बगिया विरान हो गई तेरे ही पिता के अपने जिंदगी के लोग समेटल चाहा थी लेकिन जिंदगी जियले के एगो आधार रहल आधार कवर रहल पांचों दुलही के पले भगवान एक अखे बेटवा देले हुआ पांचों दुलही के पले एक अखे बेटवा भगवान देले हुआ
के पास एक बेटा था जिस बेटा का नाम था अब्दुल हमीद और एक बेटी थी जिस बिटिया के नाम बताया गया रुबिया। और वो चार जो हिंदू थे नंदू सूरज गोपाल शंकर उनके बेटवा के नाम रहल रंजीत मंजीत राजू राजेश। अपन जिंदगी के समेटल चाहत बाड़ी एक दिन अब्दुल हुसैन 4 बजे भोर में दौड़त बा पसीना से डूबल हाथ तौलिया से देह पोछत है। अब्दुल के मम्मी पूछो थी अब्दुल कौने काम में कौन नौकरी करवा के यही 4 बजे भोरे में उठ के दौड़े ले रहे पसीना से डूबल हाथ पूछत है। कहत है कि भाई रे बाबू फौज में रहलन तो हमहू फौजे में ना जात कलाई पकड़ के माई चरपाई पर बेटा के बैठौलस अपने जमीन पर बैठ गई अपने बेटा के समझावत दे कि सोन नमक रोटी खा ले ना रही भैया लोगों से भीख मांग ले 2 बीघा खेत है 1 बीघा बेच दे थी चल कोनो घर में गांव में ही दुकान कर ले कोनो कपड़ा के दुकान कर ले किराना के दुकान कर ले लेकिन फौज के नौकरी ना करे दे। क्या मिला ये फौज के नौकरी से रे बेटा जवानी में ही विधवा हो गई नहीं मांग के सिंदूर धोवा गई। अब्दुल अपने माई से कह ले है कि माँ मैं मुसलमान जरूर हूँ लेकिन एक बात सुन ले। आखिर अपने माई से कह ले इसका ब्राह्मण एक लाइन गीत पा मास्टर कौन तू रही के नहीं नहीं गौरा भाई और अपने सखियन से बतावे थे सखी से लहर पूछो थी गैलू तो कैसे बीतल पड़ा उदास कहो थे कहा कहलोश और था के ना लेवे के बड़ी एको आला ना कावा लोगन गौरी फिसलत है बाबू घरे जबैलन
माई बौरहिया विधवा मतारी अपने लाल के अपने हीरा के माथे पर तिलक लगा के आरती उतारत दिया कि बेटा जा जा के देश के सेवा कर, वक्त आने पर सीने में गोली खा लेना, लेकिन कदम पीछे मत हटाना बेटा। माई अपने बेटवा के कैसे भेजले ही ब्याह में लेंगी बाबा पहाड़ा अलग हवा के सावा के साल मोर सब तला
हो आख दुश्मन गदार नाव खाई हो पांचों जवान अपने अपने ड्यूटी पर तैनात थे बाबूजी। वही मारे मजर आती के एक बहुत भयंकर तूफान उठाई और वही तूफान में पांचों जवान बहकत बिलात हिंदुस्तान के बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में चले गए। आज जब पाकिस्तान में चले गए बाबूजी तो पाकिस्तान में जवानों के सूझत ना आ चुकी नहीं ड्यूटी रहन। हम कहा है कौने जगह पर है एगो रोशनी के धार पर गैलन एगो टूटही मड़ई है और मड़ैया में जब गैलन है बाबू तो मड़ैया में के रहल एक बूढ़ी माँ जो फटा हुआ कंबल ओढ़ के बैठी थी पांचों जवान के जब देखती है आंखें लाल हो गया भावे तन गई दादी है तुम तो हिंदुस्तानी हो ये पाकिस्तान में क्या करने के लिए चले आए। पांचों जवान के तलवे के नीचे से जमीन खिसक गई भाई ये पाकिस्तान है। बुढ़िया कहती है हाँ बेटा ये हिंदुस्तान की धरती नहीं है। पांचों जवान कहते हैं तब तू कौन है माँ। बुढ़िया रोने लगी और रो के कहती है क्या विदेशिया के भाव में मास्टर अरे हम हिंदुस्तानी हाई अरे भाई ने पाकिस्तान बेटो हमारी पाखरिया भरल गई ने पति बेटा अरे हमारो लड़ैया में अब आई ने अभगन दुख में बड़ा से नजरिया ए बेटा हमारे पति देश के सेवा करते करते शहीद हो गिलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा में ए बेटा जबरी हमें पाकिस्तान में भेज दिया गई लेकिन आज भी ये बुढ़िया के कलेजा हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। जवान पूछ रहे हैं माँ तो आगे क्या होने वाला है। कहती है बेटा कल 14 अगस्त है हिंदुस्तान के धरती पर 15 अगस्त के झंडा फहरावल जाला लेकिन पाकिस्तान में एक दिन पहले तो पाकिस्तान वाले 14 अगस्त के झंडा फहराएंगे और आज के 12 साल पहले दुई हिंदुस्तानियन के अपने जेल में बंद करके रख ले हुन। ये जो सामने वाला फील्ड दिखाई दे रहा है बेटा यही फील्ड में ले आके दोनों जवानों के मारे लग और मार मार के यही कहते हैं कि बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन दोनों जवान यही कहते हैं कि एक बार नहीं 1000 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। इतना कहते मंत्र ये पाकिस्तान वाले बहुत मारते हैं बेटा कुछ जवानों के केवल खाली दम ना टूटेला हो बेटा। बुढ़िया पूरा बात बता के जब अपने घर में पांचों जवानों के छुपौले दे तो वही का तेरी के अंदर भाव हो मास्टर काम रहल हो बाबू गांव के बहरी मड़ई रहल वही पाही पर जाए पहिया पर जाके मड़ई में दिया रोज बारे रुबिया आज दिया बारे बदे पहुंचल में अंदर से मड़ई के दरवाजा के छिटकिनी बंद करके वही चरपाई पर लौट गई। संजोग देखा है बाबू आंख पर झपकी आई रुबिया के दोनों आंख बंद हो गई केहू तरह वो डिबरी के आग मड़ई के पोरा के पकड़ ले लस चारों तरफ मड़ई में आग लग गया बाबूजी। जब वो आग रुबिया के शरीर के पकड़ लस तो रुबिया सोच रही है कि मैं भाग के बाहर चली जाऊंगी लेकिन आग दबोच लिया बाबू पूरा शरीर रुबिया के जले लगल वही मड़ई में जलत में बेहोश पड़ल में गौवा के बाहरवा एक सोनू नाम
नाम के लड़का निकलल, 10 रुपया के घर के ठीक सामने ओकर घर रहल। देखलस कहे अरे अब अहिन तो रुपया जात रहल, लगे तो रुपया वही मड़ैया में तो नाम है। जवान दौड़ते भागते पहुंचा है, दरवाजा जब तोड़लस तो आग में रुपया जल के बेहोश पड़ल बे। उठा लिया गोद में, बोला अरे पहना पहना रुपया। आग खोल रोने लगी, कहती है सोनू तू आ गया रे भैया, माँ से मत बताना कि मैं आग में जल चुकी हूँ। ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और अपने इलाज करवा रहा है, अपना ब्लड रुपया के ब्लड में, रुपया के ब्लड चढ़ाने के लिए दे रहा है बाबूजी। लेकिन रुपया जब होश में आती है तो डॉक्टर से रोके एक बात कही है, क्या पापे के अंदर भाव नष्ट हो गया। डॉक्टर साहब आप लाख इलाज कर लेंगे लेकिन मैं नहीं बचूंगी। एक उम्मीद तजिए पानी हो डॉक्टर साहब की पांचों भाई के मरे से पहले देखल जात बानी। माई के पता चलल दौड़त भागत बौरहिया विधवा आई बे हॉस्पिटल में और अपने बिटिया के पकड़े कर रोवे लगल। रुबिया कौने मेहमान के दरवाजे बुलाई, केकर कन्यादान अपने हाथ से करब रे पगली। ई का कैली रुबिया, अभी हर के बाद छोड़ा ये बाबू, पांचों जवान के बुढ़िया अपने घर में छुपा के रखले है। 14 अगस्त घड़ी बजावा थी 11, दोनों जवान के जेल से निकाल के पाकिस्तान वाले ले जाके और पपुर के पेड़ में बांध के लगलन मारे। जवान देखा थोन करेजा फाटा था, बुढ़िया ने पूछा थोन की के है। 12 साल से यहाँ बंदी बन के हूँ, कुछ नाम पता जानो थू। तब बुढ़िया बतौले ही अका अल्हा के अंदर भाव मास्टर। मथुरा में हो, मथुरा कौन मथुरा? कोई कृष्ण भगवान वाला मथुरा। माँ नाम जानती है, कहती है शायद एक के नाम शंकर है और एक के नाम अब्दुल हुसैन है। फाट गई करेजा पांचों लड़कन के, हमरे सामने हमरे बाबू के पाकिस्तान वाले ऐसा गति करत हुए। अब जी अधिकार है यह धरती पर, इनकलाब जिंदाबाद।
शुरू कर दिए। 25 पाकिस्तानियन के मार के दोनों जवानन के लेके पांचों जवान भागे लगलन। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जब अइलन निकाल के तिरंगा झंडा लहरा दे है। सरहद के देख रेख में एक हिंदुस्तान के हेलीकॉप्टर लगल रहल। तिरंगा झंडा जब हेलीकॉप्टर के जो बैठे थे जवान देखते हैं तो हेलीकॉप्टर नीचे गइलन और हेलीकॉप्टर में सातों जवान के खींच के जब बैठौलन हो बाबू तो आखिर वो हेलीकॉप्टर गई कहा ब्राह के निचोड़ में लिखे के पड़ल। नेता के साथ में तिरंगा झंडा फहराया गया बाबूजी। सातों जवान जब घर की ओर चलल हुन तो देखे के मिलल का विधि के दीवार ऐसा समय के तमाचा आ रही हमें आवत रहली बहिनी के जनाजा तब ही सब सबर में डूब गए अरे हाय पहाड़ हमारे गांव में एक एकरे घर में ऐसा समाचार देखे के मिलल जब जनाजा नीचे रखल गई चेहरे पर से जब पर्दा हटावल गई दहन के जला हुआ आग में चेहरा देखकर भाई के कलेजा फट गया रोने लगा अब्दुल हमीद अरे पगल ही कौन बहिनिया अपने भैया के लोटा के दूध पियाई रे कौन बहिनिया समय से जगा के हमें दौड़ाई गांव घर के लोग मिल के समझौन बाबू भगवान के आगे केहू के ना चलल बना केहू के चली जवन उन्हें अच्छा लगी तो उन्हें हुई अंतिम दाह संस्कार करके घरे गई लल माई जब अपने पति के देखली आचरा के लगा के पैर के छुमनी का हो जियत रहला तब वो मंगिया के सिंदूर ढोवा देला कौन गलती कैले रही एक बार तो बता देले होता पत्तू छाए सुखनंदन के लहरल बिजई तिरंगा काफी